दोस्तों आजकल मार्केट में इतने सारे गेम आ गए हैं कि आधे से ज्यादा गेम हम खेल ही नहीं पाते हैं। जब मैं छोटा था तो एक कार्ड गेम आती थी WWE की, उस समय इतनी चलती थी, लगभग सबके पास में होती थी। बट आज मैं आपके सामने लेकर आ गया वो ऐसी ही इंटरेस्टिंग कार्ड गेम जिसका नाम है मिशन इमिशन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रेसलर तो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बट ये एक एजुकेशनल फन फैक्ट के साथ बहुत ही मजेदार गेम है। वाकई में आपको मजा आने वाला है आज की वीडियो में। साथ ही इस गेम के जो डिजाइनर है उन्हें मैंने चैनल के ऊपर बुलाया इसलिए क्योंकि कुछ सवाल मुझे पूछने की गेम कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, कौन बनाता है और गिव अवे कितने यूनिट होने वाले हैं। सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। मगर उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल के ऊपर आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और मैं बढ़ता इस वीडियो में आगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों ये है प्यारा सा बॉक्स मिशन इमिशन का जो आता है नाइटिंग गेम की तरफ से। 2 से लेकर 6 प्लेयर्स यहाँ पे खेल सकते हैं और 20 से 30 मिनट के अंदर आपका गेम जो है लगभग खत्म हो जाएगा। एज यहाँ पे है 7+। पीछे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3-in-1 गेम वेरिएंट, मतलब आप तीन तरह से इस गेम को खेल सकते हो। पहला है बेस गेम, दूसरा स्ट्रेटजी और तीसरा है किड्स गेम। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा कि आपको बेस गेम कैसे खेलना है और थोड़ी बहुत जानकारी आपको किड्स गेम के बारे में दे दूंगा, बाकी आप भैया खुद ही देख लेना। तो अब जो है हम इसे खोलते हैं और अंदर से कार्ड्स को बाहर निकालते हैं। ओके, तो सबसे ऊपर यहां हमको देखने को मिल जाती है एक रूल बुक। ओके, कुछ इस तरह की रूल बुक है, सारे के सारे रूल्स इसमें अच्छे से बताए हुए हैं ताकि जो है ना आपको कोई परेशानी ना हो। ओके, तो इसको रख देते साइड में और भैया कार्ड्स को देख लेते क्योंकि मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं कार्ड। जिस तरह से यहाँ पे देखिए झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, ये स्टेट्स के नाम है और कुछ कुछ पिक्चर बने हुए हैं, कुछ कुछ लिखा हुआ है, क्या फॉरेस्ट, एनर्जी, वाटर, मतलब इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, मजा आएगा लग रहा है भैया बहुत ज्यादा। फिलहाल जल्दी से मैं पढ़ता हूँ उस रूल बुक को और आपको बताता हूँ कि इस गेम को आपको कैसे खेलना है। दोस्तों गेम को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इन कार्ड्स को समझ लेते हैं ताकि हमें रूल समझने में आसानी हो। तो मोटा मोटा यहाँ पे 2 तरह के कार्ड हमको देखने को मिलते हैं। अगर मैं इस गड्डी को उठाता हूँ तो इसमें आप देखेंगे कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के कार्ड्स हैं, सारे के सारे वही कार्ड्स हैं। एक कार्ड को उठाते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे ऊपर स्टेट का नाम है, उसके नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जैसे फॉरेस्ट, एनर्जी, वाटर, स्मोक, क्राउड, गार्बेज और इसके आगे कुछ नंबर्स भी दिए गए हैं। तो दोस्तों हर एक कार्ड के ऊपर यही 6 चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, बस जो नंबर है वो अप एंड डाउन यहाँ पे हो सकते हैं। और जितने भी आपको कार्ड्स के ऊपर कलर्स दिख रहे हैं, रेड, ग्रीन, येलो, ये सिर्फ डिज़ाइन के लिए दिए गए हैं, गेम से डायरेक्टली इसका कोई लिंक नहीं है। तो इसमें तो बस यही डिटेल थी, उसके बाद आ जाते हैं इन कार्ड्स के ऊपर। तो दोस्तों इन कार्ड्स को हम बोलते हैं मिशन कार्ड्स या कहिए पॉइंट्स कार्ड। पॉइंट्स कार्ड इसलिए क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स बने हुए हैं और टोटली हमारे पास 6 मिशन हैं और एक मिशन के 3 कार्ड हैं। जैसे मान लो कि ये फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट के मेरे पास में 3 कार्ड है, हर एक मिशन के 3-3 कार्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एनर्जी के भी यहाँ पे 3 कार्ड है। फर्क क्या है दोस्तों, फर्क मैं आपको दिखाता हूँ कि पॉइंट्स का फर्क है। देखिए इस मिशन फॉरेस्ट में +3 पॉइंट्स मिलते हैं, इसमें +5 मिलते हैं, इसमें +7 मिलते हैं। तो आपको इतना तो आइडिया लग गया होगा दोस्तों कि यहाँ पे एक्चुअली हमको पॉइंट्स इकट्ठा करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा जीतने के लिए इस गेम को। तो बिना किसी देरी के अब मैं स्टार्ट करता हूँ इस गेम को और देखते हैं कैसे हमें इस गेम को खेलना है। दोस्तों सबसे पहले आपको मिशन के कार्ड्स को कुछ इस तरह से रख देना है और पॉइंट्स का जो ऑर्डर रहेगा वो इस तरह से +3 सबसे ऊपर, फिर +5, फिर +7 और माइनस में रहेगा आपका -1 सबसे ऊपर, -2 उसके नीचे और उसके नीचे -3। तो हमारे 6 के 6 मिशन 18 कार्ड्स यहाँ पे लग चुके हैं। दोस्तों अब हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इन बचे हुए कार्ड्स का और सबसे पहले हमें इन्हें फेंट देना है। उसके बाद ईच प्लेयर में हम 3 कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 प्लेयर गेम खेल रहे हैं तो एक प्लेयर को 3 कार्ड और दूसरे प्लेयर को भी 3 कार्ड और बचे हुए ये जो आपको गड्डी दिख रही है ये आपको सेंटर में कुछ इस तरह से लगा देनी है। तो दोस्तों कार्ड जो है बढ़ चुके हैं, अब हम गेम को स्टार्ट करेंगे। तो जिस प्लेयर की चांस पहले होगी वो इन 6 मिशन में से कोई भी एक मिशन का कार्ड उठा लेगा। बट ध्यान रखना है कि ऊपर वाला ही कार्ड आप उठा सकते हो, नीचे वाला नहीं उठा सकते। तो सबसे पहले मान लो मैं ये एनर्जी मिशन का ये कार्ड उठाता हूँ और इसको थोड़ा सा हम साइड में रख लेते हैं। दोस्तों इस कार्ड को रखने के बाद आपको अपने 3 कार्ड में से कोई एक कार्ड चलना है। अब चलना कौन सा है दोस्तों, यही असली सवाल है। देखिए ये एनर्जी का कार्ड है और अगर आपको इस कार्ड को अपनी तरफ करना है तो आपको एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा नंबर नीचे फेंकना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे 0 है और यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 472। तो मुझे अगर लगता है कि औरों के पास इससे ज़्यादा एनर्जी नहीं होगी तो मैं क्या है इसे यहाँ पे चल दूंगा। अब उसी तरह दूसरा प्लेयर भी अपने कार्ड टटोलेगा और देखेगा एनर्जी कितनी है भैया, 99,
24 और 1, अरे उसे पता चल गया है कि मुझे तो अब हारना ही है, तो उस कंडीशन में वो अपना दिमाग लगा के कोई भी कार्ड चल सकता है जिसमें एनर्जी कम है। तो अब होगा क्या यहाँ पे, दोनों के जो है नंबर्स आपको पता ही चल चुके हैं, तो एनर्जी मेरे पास ज़्यादा है, तो ये मिशन वाला कार्ड दोस्तों मेरा हो जाएगा और ये दोनों कार्ड्स की अलग फाइल बन जाएगी, बट ये जो कार्ड है ये मेरा हो जाएगा। इसका क्या फ़ायदा है दोस्तों, ये आप देख रहे हैं प्लस 3 पॉइंट, इसी तरह मिशन आते जाएंगे और आप इन्हें लेते जाओगे, तो लास्ट में जैसे ही 4 मिशन कंप्लीटली खत्म हो जाते हैं उसके बाद काउंटिंग चालू होगी और जिस प्लेयर के पास सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होंगे वो जो है गेम को विन कर जाएगा। तो बस यही था बेस गेम, बहुत ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आप जो स्ट्रेटेजी बना सकते हो कि मुझे कैसे पॉइंट्स हथियाने हैं या अपने दूसरे प्लेयर्स को माइनस पॉइंट कैसे दिलवाने हैं, तो बड़ा ही दिमाग लेने वाला है। मैंने खेल के देखा है, मुझे काफ़ी मज़ा आया, तो फिलहाल अब जल्दी से दूसरा वाला जो गेम है किड्स वाला वो भी आपको जल्दी से समझा देता हूँ। तो दोस्तों बेस गेम आपने देख लिया, अब मैं आपको बताता हूँ कि किड्स गेम आपको कैसे खेलना है। सबसे पहले आपको मिशन कार्ड्स को इन गड्डी से हटा देना है। फॉर एग्जाम्पल ये सारे मिशन कार्ड थे, मैंने हटा दिए, अब बचे हुए कार्ड्स जो है उनको फेंट के ईच प्लेयर में आपको एक एक कार्ड बांट देना है और बचे हुए कार्ड आपको सेंटर में रख देने हैं। अब जिस प्लेयर की चांस पहले होगी वो कार्ड उठाएगा और उसमें से जो से लगेगा कि भैया उसका ज़्यादा है वो बोल देगा, मुझे लगता है कि भैया स्मोक 87, तो मैं बोलता हूँ स्मोक 87, मैंने यहाँ पे रख दिया। अब उसके बाद सभी प्लेयर अपना अपना कार्ड जो है सबको दिखाएंगे और जिसका सबसे ज़्यादा स्मोक होगा वो सारे के सारे कार्ड्स उस प्लेयर के हो जाएंगे। अब फिर से क्या होगा, सभी लोग एक एक कार्ड यहाँ से फिर से उठाएंगे और उसके बाद सेम चीज़ें रिपीट होंगी। तो ये गेम कब तक चलेगा, जब तक कि भैया ये डेक ख़त्म नहीं हो जाती। एक बार ये डेक ख़त्म हो जाएगी उसके बाद जिस प्लेयर के पास सबसे ज़्यादा कार्ड्स होंगे वो गेम का विनर हो जाएगा। तो ये था सिंपल सा किड्स मॉड्यूल। तो फिलहाल के लिए अब जल्दी से चलते हैं अपने स्टूडियो वापस और करते हैं कुछ चिटचैट नेहा से। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि मैं आपको मिलवाने वाला हूँ इस गेम के डिज़ाइनर से, तो मेरे साइड वाली स्क्रीन में आ चुकी है नेहा नाइटिंग गेम से, जिन्होंने गेम बनाया है। सो हाय नेहा, वेलकम टू पीपल यू चॉइस। हाय मनोज एंड हेलो दोस्तों। सो नेहा, हमारे व्यूअर्स के कुछ सवाल हैं इस गेम से रिलेटेड, तो सबसे पहला उनमें से ये है कि ये गेम जो है तुमने कैसे बनाया, मतलब तुम्हारा कोई स्टार्टअप है, कोई कंपनी है, कहीं फैक्ट्री वैक्ट्री है, या कहीं बाहर से मंगवाए और अपना ठप्पा लगा के बेचना शुरू कर दिया? ये गेम का आइडिया मेरा खुद का था एंड इसको मैंने फिर कंप्यूटर पे कार्ड्स और उसको डिजाइन किया और प्रिंट करवा लिया एंड स्टार्टअप भी बनाया है मैंने नाइटिंगेल नाम का। मगर दोस्तों आप लोग को अगर कोई आइडिया आए उसका, मेहनत करो, अपना गेम बना सकते हो, कोई बड़ी कंपनी की जरूरत नहीं है, कोई चाइना से सामान मंगाने की जरूरत नहीं है, यू कैन डू इट। ओके वेल आंसर्ड। तो दूसरा सवाल यहाँ पे ये है कि ये गेम का मतलब आइडिया कैसे आता है, मतलब तुम अकेले सोचती हो या 4-5 लोग मिलके इसे सोचते हैं? मतलब आसान नहीं है ना कि मतलब कुछ भी मतलब सोचो, मतलब ऐसा कुछ गेम बना दो, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है। कहाँ से मिलते हैं आइडियाज आपको? ये वही दोस्तों में, सोसाइटी के बच्चों में, गली के बच्चों में बात करके कि उनको किस टॉपिक पे गेम खेलना पसंद है या फिर कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पर कभी किसी ने गेम बनाया ही नहीं लेकिन बनाया जाए तो अच्छा होगा, ऐसी बात करती हूँ तो आइडिया आ जाता है, फिर उसके बाद में गेम बनाने की कोशिश करती हूँ। और मतलब दोस्तों आपके पास अगर कोई ऐसा आइडिया हो जिस पर आप चाहते हो गेम बने तो कमेंट्स में डालो एंड हम जरूर कोशिश करेंगे। नेहा तीसरा सवाल यह है कि अपकमिंग मंथ्स में क्या तुम्हारे और भी गेम्स आने वाले हैं, और अगर आएंगे तो क्या मतलब हमें कोई रिव्यू यूनिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल, दो बहुत जबरदस्त गेम आ रहे हैं, एक का नाम है ट्रू विजर्ड जिसमें हम मैजिक स्पेल्स सीख के फाइटिंग कर सकते हैं, और दूसरा है सर्जिकल स्ट्राइक जिसमें हम इंडियन आर्मी के जवान बनेंगे और टेररिस्ट को हराना है। तो बहुत इंटरेस्टिंग गेम्स आ रहे हैं एंड डेफिनेटली मतलब रिव्यू बिल्कुल आपके तरफ से बना रहेगा। तो नेहा आज का चौथा और लास्ट सवाल ये है कि हमारे व्यूवर्स को कितने यूनिट मिल रहे गिव अवे के लिए? मिशन मिशन के 2 यूनिट्स एंड ये कैसे मिलेंगे ये बताएंगे। ओके, थैंक यू सो मच नेहा वंस अगेन फॉर कमिंग इन आवर चैनल। चलिए दोस्तों फिलहाल यहाँ पे आपको पता लग चुका है कि 2 यूनिट यहाँ पे हम गिव अवे करने वाले हैं, बट उसके लिए आपको करना है वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक। टारगेट रखेंगे सिर्फ 2000 लाइक्स का, जैसे ही वो पूरे हो जाएंगे रिजल्ट जो है अनाउंस कर देंगे रैंडम कमेंट पिकर की मदद से। मगर उससे पहले अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो के साथ में जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।